से पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा पुलिस के हाथ फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुमरा जो थाना कमिश्नर है विवेक पंसार साहब, उनको एक खबर मिली कि मुमरा के अंदर एक व्यक्ति जो है नकली नोट लेके आ रहा है, और उन्होंने मधुकरकर साहब हैं उनसे बात करी, और मधुकरकर साहब की टीम ने तकरीबन 4 से 5 घंटा इसके पीछे मेहनत करी, और वो आदमी ने काफ़ी हद तक मतलब एक लोकेशन के हिसाब से उनको दौड़ाया, और उसके बाद आखिरकार वो हाथ में आ ही गया। और उसके साथ साथ में नकली नोटों का मतलब पूरा बंडल भी मिला है, और कहा जा रहा है कि मतलब मोबाइल भी उसके पास बहुत सारे मिले हैं। तो अभी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मुमरा पुलिस के लिए और उनकी जो टीम के लिए, एक बहुत अच्छा काम इस वक्त कर रही है। और ये व्यक्ति जो है, ये आरोपी, ये नसीम बाग का रहने वाला है, अमृत नगर। पूछताछ चालू है उससे, और पुलिस आगे जो है 24 तारीख तक उसको रिमांड में दी है कोर्ट ने, और आगे देखते हैं कि इनसे कौन सी आगे कड़ियां किस तरीके से जुड़ते हुए जाती है और कितने लोग इसमें गिरफ्तारी होती है अमृत नगर में। और अमृत नगर में छापा डालने के बाद में एक आदमी जसीम उर्फ वसीम सलीम शेख, ये 42 इयर्स का है, अमृत नगर में रहता है, शादीमल रोड पे, उसको ताबे में लिया और वहाँ 82,000 रुपीज़ यानी 82,000 रुपये, हमको 500 रुपये की जो नोट रहती वो 164 नोट मिली है, और वो सब जाली है। उसने जब ताबे में लिया तो वो नोट उसने बेंगलोर से लाया ऐसा बताया है। उसके ऊपर आगे जांच की जा रही है, और ये सब जब्त करने के बाद में, जाली नोट जब्त करने के बाद में, उसके खिलाफ 489B और 489C IPC के धारा मुताबिक गुना दाखिल किया है, और उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। आज उसको कोर्ट में हाजिर किया था PI मुजावर साहब ने, और उसको 24 तारीख तक PCR दिया है कोर्ट ने। सर ये क्या चलाता था बाजार में ये? अभी काटने की जानकारी ऐसी कि जब जो जाली नोट लाए हैं तो उसने कोशिश किया है, अभी वो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसने यूज किया नहीं किया करके। कहे मुताबिक एक्स के कहे मुताबिक जिसको अरेस्ट किया है उसने बताया कि ये बेंगलोर से लाया हुआ है, तो उसकी भी जांच चालू है हमारी कि बेंगलोर से कहाँ से लाया और कैसे उसने यहाँ तक लाया, ये जाँच चालू है। सर ये जसीम और वसीम सलीम शेख चिश्तिया नगर शादी महल रोड अमृत नगर मुमरा, ये यहाँ का प्रॉपर रहने वाला है, कितने अरसे से रहता है यहाँ पर? सर ये खुद का मकान है इसका? इसका खुद का मकान है, उसका पुराना मकान है, और उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है। ये उसके खिलाफ में 3 मामले दाखिल है, इसके पहले वो चोरी के मामले दाखिल है, मोबाइल के अपने कोलकाता में एक मामला दाखिल है उसके खिलाफ में, कोलकाता में एक आदमी से उसकी पहचान हुई थी, और उसके ऊपर से बेंगलोर वाले आदमी से उसकी पहचान हो गई, वो वहाँ से उसने ये जाली नोट लाए। इस मोबाइल चोरी का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और उसके खिलाफ में 399 की ऑफेंस रजिस्टर है प्रॉपर मार्केट में, उसके खिलाफ वो बता रहे हैं, अभी वो वेरिफिकेशन होना है, उसका रिमांड मिला है। ये जो नोट लाए थे उन्होंने, उनकी कोई मशीन ऐसा भी है बड़ा रखी है जो छापता है नोट एरिया में, ऐसे जैसे मुमरा में लाए दूसरे एरिया? उसके कहे मुताबिक उसने 30,000 रुपये दे के ये नोट लाए थे, तो वो अभी आगे चलेगा क्योंकि रमजान का महीना था, लोग मार्केट में जाते हैं, तो उस हिसाब से उसने नोट खपाने की कोशिश किया है। एक्चुअली उसने स्टार्ट किया था लेकिन अभी सफल हुआ नहीं हुआ वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। जी फर्क कैसे पकड़ा कैसे आपने कि ये फेक नोट है कैसे पकड़ा? 500 की नोट हाथ में लिया या 2000 की नोट हाथ में लिया तो आपको पता चलता है कि असली नोट कैसी है और जाली नोट कैसी है। तो ये मुझे ऐसा जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कि प्रिंट किया हुआ नोट है, स्कैनर के जरिए प्रिंट किया हुआ नोट है। सर ये क्या सीरियल वाइज नोट है? नहीं नहीं, सीरियल अलग अलग सीरीज की नोट है। बहुत सीक्रेट जानकारी NIA इंस्टीट्यूट को मिली थी, NIA ने हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को दिया था, पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको वर्कआउट करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उसके ऊपर से कल बहुत स्विफ्ट यानी बिल्कुल 2-3 घंटे में एक्शन तुरंत में ले लिया, क्योंकि सिर्फ लोकेशन के ऊपर से आपको आदमी का कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली सिर्फ लोकेशन के ऊपर से पता चल रहा था कि एक आदमी के पास में जाली नोट है, उस हिसाब से हम लोगों ने उसको ट्रैक किया था, और पहले वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया, रेलवे स्टेशन की तरफ से फिर उसका पीछा किया और वो कहीं इधर उधर जा रहा था, तो जैसा जैसा उसको ये किया ट्रैक किया उसके बाद में उसके घर में ये सब मिला है। आगे की हमारी न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक चैनल। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।
है।